एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही थी विराट कोहली के हवाले से। टाइम स्क्वायर के पास विराट कोहली का एक बहुत बड़ा स्टैचू, गोल्ड स्टैचू बनाया गया है, उसको रखा गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि विराट कोहली के हाथ में एक बैट है। फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब टाइम स्क्वायर के पास भी उनका स्टैचू रखा जा रहा है और लोग उनको एडमायर कर रहे हैं, लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बढ़ती चली जा रही है। हाँ तो ठीक है, लेकिन इतना भी क्या हो गया कि आप गोल्ड स्टैचू बनाने लग जाएं? लेकिन खैर फैंस हैं, मुझे लगता है फैन काफ़ी ज़्यादा, और वो भी अमेरिका के अंदर। हाँ इंडिया में तो बनता तो चलो समझ आती, लेकिन अमेरिका में बनने से कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया की बॉलिंग में से कौन देगा? बुमराह, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, क्या बात है। और बैटर की अगर बात करें तो बैटर की कोहली शर्मा, वो तो कोहली चलेगा इस दफा, कोहली सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा स्कोर करेगा। एक अच्छा प्लेयर है, जब भी वो मैच खेलता तो पता लगता है, अगर एक आधा मैच में नहीं चलता ना तो उसकी रन रेट एवरेज सब कुछ बेस्ट है। विराट कोहली की रन रेट भी अच्छी है और पाकिस्तानी प्लेयर और प्लेयर से रन रेट भी अच्छी है। उनका खेलने का स्टाइल, कवर जब मारते शॉट मारते तो पता लगता है कि परफेक्ट प्लेयर खड़ा हुआ है। हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छा क्रिकेटर है। जी मैं कहता हूँ कि ये अभी विराट कोहली जैसे प्लेयर पाकिस्तान, इंडिया को पाकिस्तान बल्कि आना चाहिए खेलने के लिए। अच्छा। इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए चाहिए, पाकिस्तान को कुछ सीखने का मौका मिले। कि विराट कोहली जो है एक टीम लीडर है, एक वो टीम को लेकर चलता है, उसकी जो क्रिकेट है वो एक सिस्टमेटिक क्रिकेट है उनकी। विराट कोहली तो एक लेजेंड है, वो समझ लें, उसका मुकाबला तो नहीं ना कर सकते हम जो है वो। लेकिन अभी वो कप्तान नहीं है अपनी टीम के, तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी? फिर भी जो उसकी जो उसका खेलने का अंदाज़ है, उसका जो उसकी जो खेल को लेकर चलने का अंदाज़ है वो उसका फिर भी बरकरार है। वो अपनी मेंटेनेंस ख़राब नहीं करता, वो अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूव करता है, वो अपने आप को मनवाता है कि वो है विराट कोहली है, विराट कोहली की जगह नहीं ले सकता कोई भी। इवन के पाकिस्तानी भी होंगे जो विराट कोहली के काफ़ी फैंस होंगे, बहुत है, सही है। तो ये है कि ठीक है, स्पोर्ट भी देखी जाती है एक जगह पे, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी से भी लोग इम्प्रेस होके उसको लाइक फैन फॉलोइंग लोग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के टाइम स्क्वायर के ऊपर विराट कोहली का गोल्डन स्टैचू लग जाना। आप सोचिए कितना भारत का नाम रोशन किया है इस लड़के ने, कितना मजा आता है जब पता लगता है कि यार भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। और आप सोचिए कि पाकिस्तान जैसा देश जो सारी जिंदगी भारत से जलता रहा है, जब वो देखता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। अब वो तो यही हो सकता ना, दो चार लोग आगे जो इनका इंटरव्यू देते हैं वो तारीफें कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि पाकिस्तान कभी भी पसंद नहीं करता कि भारत का नाम ऐसे हो, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी भारत को गिराने की कोशिश ही की है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि सूरज की रोशनी छुपाए नहीं छुप सकती, ये वो सूरज है, चमकते हुए सूरज है भारत के जो प्लेयर हैं। आप किसी का भी नाम लेके देख लीजिए, ठीक है विराट कोहली जो है आज उसका बहुत ज़बरदस्त नाम है, उसने मेहनत भी की है दोस्तों, ऐसे कोई विराट कोहली नहीं बन जाता है और ऐसे कोई सचिन तेंदुलकर या कपिल देव नहीं बनाता दोस्तों। बहुत मेहनत थी उसके पीछे, बहुत एफर्ट था। आज विराट कोहली की फिटनेस को लेकर पूरी दुनिया तारीफें करती है और ऐसा ही नहीं करती है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा प्लेयर है, जब भी वो मैच खेलता तो पता लगता है, अगर एक आधा मैच में नहीं चलता ना तो उसकी रन रेट एवरेज सब कुछ बेस्ट है। ये पाकिस्तानी प्लेयर तो सारे बिके हुए हैं, ना वो खेलते हैं ना कुछ काम करते हैं। विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है और उसकी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। रोहित शर्मा देख लें अभी उनकी कितनी एज हो गई है, लेकिन वो फिर भी अभी 100 स्कोर लाजमी एक मैच में बनाता है। कल की उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, 7 चौके 8 छक्के उन्होंने लगाए अपनी परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी टीम पूरी 20 ओवर में कम से कम 120-110 पे आउट आउट हो जाती है और इंडिया की टीम कल 10 ओवर में 140 स्कोर था उनका और एक खिलाड़ी आउट था। वो टीम ऐसी टीमें होती हैं जिनको फाइनल में पहुँचना भी चाहिए और जीतना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो सारे कोई भी प्लेयर नहीं है, सारे सिफारशी हैं। ये भी शदाब की परफॉर्मेंस देख लो, हमाद वसीम की देख लो, इफ्तिखार अहमद की देख लो, कोई भी नहीं चल रहा, सिर्फ एक दो ओपनर अगर चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो जीरो है, ना कोई काम ना इन पे। इन सबको तो बकरियाँ चलाना चाहिए यहाँ पे, और ना इनको खेलने के लिए ले गए हैं यहाँ पे लंदन में, अमेरिका में। इन पे पैसा जो भी लगा रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं पैसा, इन पे ऐसा नहीं करना चाहिए। विराट कोहली की ऐसे कौन से परफॉर्मेंस है या उनकी ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है? सेंचुरीज, रन रेट, बैटिंग, क्या? विराट कोहली की रन रेट भी अच्छी है और पाकिस्तानी प्लेयर और प्लेयर से रन रेट भी अच्छी है। उनका खेलने का स्टाइल, कवर जब मारते शॉट मारते तो पता लगता है कि परफेक्ट प्लेयर खड़ा हुआ है। अच्छा, इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया की बॉलिंग में से कौन देगा? बुमराह,
जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह क्या बात है। और बैटर की अगर बात करें तो बैटर की कोहली शर्मा, वो तो कोहली चलेगा इस दफा, कोहली सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा स्कोर करेगा। और रोहित शर्मा 92 जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बने, क्या इंग्लैंड के खिलाफ भी बनाएगा? जी बनाएगा, क्योंकि जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है, बुमराह उसके वो है, जिस तरह वो शर्मा है, कोहली है, नीचे वो आके सूर्या कुमार यादव मार जाता है, तो उनकी टीम बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं पकड़ी जाएगी इंग्लैंड की बॉलिंग। 50-50 चांसेस है इंडिया और इंग्लैंड के? 50-50 नहीं है, 60-40 है, इंडिया 60 है, इंग्लैंड 40 है। एक तरफ इंडिया है अनबीटेबल, दूसरी तरफ इंग्लैंड है। इंडिया जिस तरह से 6 की स्ट्रीक मेंटेन किया हुआ है, इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बात जो है ना अच्छे से रटवा दिया है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर भी हैं और दुनिया के बेहतरीन बैटर्स भी हैं। और इंडिया का जो कॉन्फिडेंस हाई हुआ है ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के बाद, वो बदले की आग भी खत्म होगी। अब आप फाइनल में किसको देखेंगे, इंग्लैंड को या फिर इंडिया को? अगर वैसे देखा जाए तो हम एशिया में कप आना चाहिए, तो इंटरव्यू से इंडिया नहीं, एशिया में अगर देखा जाए तो फिर तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के साथ है, डिजर्व करता है ये, तो इंडिया परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है कि ये नहीं कि इंग्लैंड, लेकिन मुझे तो 90% चांस इंडिया के हैं। ओपनर्स की बात करें तो इंडिया के जो ओपनर्स हैं वो कितना बड़ा खतरा बनेंगे इंग्लैंड के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि दुनिया के टॉप प्लेयर हैं, पहले नंबर पे कोहली का स्कोर है, दूसरे नंबर पर शर्मा का है, ऐसे ही है। हाँ। तो दोनों ही दुनिया के टॉप प्लेयर हैं 2020 के, ये और लग पता जाएगा, लग पते जाएंगे। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह। अगर कह रहे हैं भाई अफगानिस्तान से क्रिकेट सीखो, उल्टा हो गया, लेकिन इमाम उलाक ने उनको क्रिकेट सिखाई है। हाँ। लेकिन अब वो कह रहे हैं हमें कोच रखो पाकिस्तान का। हाँ। अब हमारे क्रिकेटर अफगान की एकेडमी में सीखेंगे, ये बात है, ये अब तालिबान हमें सिखाएंगे क्रिकेट। हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छा क्रिकेटर है। अभी आप देख लें आईपीएल गुजरा है, आईपीएल में वो उनके सामने डिविलियर के साथ मैक्सिमम बोल जाए 6 ओवर में कम से कम 100-110 स्कोर बनाए उन्होंने 6 ओवर में। उन्होंने उनकी रन रेट के हिसाब से उनको खेलना चाहिए, वैसे उनको आगे जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुँह पर ये धब्बा ही है कि ये अभी विराट कोहली जैसे प्लेयर पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान बल्कि आना चाहिए खेलने के लिए। अच्छा। इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए जाके पाकिस्तान को कुछ सीखने का मौका मिले। अच्छा, हम सीख लेंगे, हमारे प्लेयर सीख लेंगे, एक दो तो हैं अंदर जो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कुत्ते का वैर रख के आप कह रहे हो कि उनसे सीख लें? उनसे सीखना चाहिए, बल्कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर कौन सा अच्छा खेल रहा है इस टाइम में? रिजवान 24 बॉलों पर 14 स्कोर बना रहा है, बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, वो 50 बॉलों पर 32 बना के आउट हो जाता है, ये कौन से प्लेयर हैं? ये तो टेस्ट मैच तो नहीं खेलने के लिए गए हुए, ये खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए हैं। इनसे खेलने के 34 बॉलों पर 14 स्कोर छता है, हम आदिफ सिंह बना रहा है जो 1 ओवर में 24 स्कोर बनाते थे, पाकिस्तानी प्लेयर वो कहाँ चले गए हैं? हमारे प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हो रही है, जबकि अगर विराट कोहली की बात करते हैं अभी वर्ल्ड कप में वो आउट ऑफ द फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन स्टिल उनकी फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ रही है? उनकी थिंकिंग सब टीम को आगे लेके जाने का नजरिया, वो मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे सिर्फ कैप्टन अभी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा है, लेकिन वो मुल्क के लिए खेलते हैं, वो फिर भी समझा रहे होते हैं ये करना है खेलने का तरीका, लेकिन उनके अंदर ग्रुप बंदी नहीं।